पुणे। पुणे भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक महत्वपूर्ण शहर है। पुणे भारत का छठवां सबसे बड़ा शहर व महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यह शहर महाराष्ट्र के पश्चिम भाग मुला व मुठा इन दो नदियों के किनारे बसा है और पुणे जिला का प्रशासकीय मुख्यालय है। सार्वजनिक सुख सुविधा व विकास के हिसाब से पुणे महाराष्ट्र में मुंबई के बाद अग्रसर है। अनेक नामांकित शिक्षण संस्थाएं होने के कारण इस शहर को पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। पुणे में अनेक प्रौद्योगिकी और ऑटोमोबाइल उपक्रम है, इसलिए पुणे भारत का डेट्रॉइट जैसा लगता है। काफी प्राचीन ज्ञात इतिहास से पुणे शहर महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। मराठी भाषा इस शहर की मुख्य भाषा है। पुणे शहर में लगभग सभी विषयों के उच्च शिक्षण की सुविधा उपलब्ध है। पुणे विद्यापीठ, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला आयुका, आगरकर संशोधन संस्था सीडैक जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थान यहाँ है। पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट भी काफी प्रसिद्ध है। पुणे महाराष्ट्र व भारत का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, भारत फोर्ज जैसे उत्पादन क्षेत्र के अनेक बड़े उद्योग यहाँ है। 1990 के दशक में इंफोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो, सिमेंटेक, आईबीएम जैसे प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनियों ने पुणे में अपने केंद्र खोले और यह शहर भारत का एक प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग केंद्र के रूप में विकसित हुआ। नाम पुणे, यह नाम पुण्यंगरी नाम से आया समझा जाता है। यह शहर ईसा 8 के शतक में पुण्य नाम से जाना जाता था, ऐसा संदर्भ मिलता है। ईसा 11 के शतक में कस्बे पुणे या पुनवदीप नाम से जाना जाने लगा। मराठा साम्राज्य के कालखंड में शहर का नाम पुणे में रूप में उपयोग में लाया जाने लगा। ब्रिटिश ने उसे पूना कहकर संबोधित करने की शुरुआत की। अब यह पुणे इस आधिकारिक नाम से जाना जाता है। इतिहास 8वीं शताब्दी में पुणे को पुण्य नाम से जाना जाता था। शहर का सबसे पुराना वर्णन ईसा 758 का है, जब उस काल के राष्ट्रकूट राज में इसका उल्लेख मिलता है। मध्ययुग काल का एक प्रमाण जंगली महाराज मार्ग पर पाई जाने वाली पातालेश्वर गुफा है, जो 8वीं सदी की मानी जाती है। 17वीं शताब्दी में यह शहर निजामशाही, आदिलशाही, मुगल ऐसे विभिन्न राजवंशों का अंग रहा। 17वीं शताब्दी में शाहजी राजे भोसले को निजाम शाह ने पुणे की जमींदारी दी थी। इस जमींदारी में उनकी पत्नी जिजाबाई ने ईसा 1627 में शिवनेरी किले पर छत्रपति शिवाजी राजे भोसले को जन्म दिया। शिवाजी महाराज ने अपने साथियों के साथ पुणे परिसर में मराठा साम्राज्य की स्थापना की। इस काल में पुणे में शिवाजी महाराज का वर्चस्व था। आगे पेशवा के काल में ईसा 1749-17 को छत्रपति की गद्दी और राजधानी बनाकर पुणे को मराठा साम्राज्य की प्रशासकीय राजधानी बना दी गई। पेशवा के काल में पुणे की काफी तरक्की हुई। ईसा 1818 तक पुणे में मराठों का राज्य था। मराठा साम्राज्य पुणे शिवाजी महाराज के जीवन व मराठा साम्राज्य के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग है। 36 के दरमियान जब जिजाबाई व शिवाजी महाराज पुणे आवास के लिए आए, तब से पुणे के इतिहास में एक नए पर्व का जन्म हुआ। शिवाजी महाराज व जिजामाता पुणे में लाल महल में रहते थे। पुणे के ग्राम देवता कस्बा गणपति की स्थापना जिजाबाई ने की थी। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में छत्रपति शाहू के प्रधानमंत्री थोरले बाजीराव पेशू को पुणे को अपना स्थायी आवास बनाना था। छत्रपति शाह महाराज ने इसकी अनुमति दी व पेशवा ने मुठा नदी के किनारे शनिवारवाड़ा बनाया। खर्रा इस ऐतिहासिक किले पर मराठों एवं निजाम के बीच ईसा 1795 के बीच युद्ध हुआ। ईसा 1817 को पुणे के पास खटकी ब्रिटिश व मराठों में युद्ध हुआ। मराठों को इस युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा व ब्रिटिश ने पुणे को अपने कब्जे में कर लिया। ब्रिटिश ने पुणे के महत्व को समझते हुए शहर के पूर्व में खटकी कंटोनमेंट की स्थापना की। ईसा 1858 में पुणे महानगर पालिका की स्थापना हुई। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पुणे में अनेक नामांकित शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई। स्वातंत्रता संग्राम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पुणे के नेताओं और समाज सुधारकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। लोकमान्य तिलक और सावरकर जैसे नेताओं के कारण पुणे राष्ट्र के नक्शे पर अपने महत्व को दर्शाता रहा। महादेव गोविंद रांडे, राग भांडारकर, विठ्ठल रामजी शिंदे, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा फुले जैसे समाज सुधारक वर